हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे द सॉन्ग ऑफ द फ्री का सेंट्रल आइडिया, कंपोज बाय स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज बाय द सेंट पोएट स्वामी विवेकानंद इज हिज फेथ इन द डिवाइन करेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। ये जो कविता है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको संत कवि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वह उनका मानव आत्मा के दैवीय चरित्र में विश्वास है। कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड माइजरी। वो कह रहे हैं ये संसार ना दुख और दर्द से भरा हुआ है, ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज, परेशानी और कठिनाइयों से भरा हुआ है। इफ़ यदि वी हैव फेथ इन गॉड, यदि हमारा जो विश्वास वो भगवान में है, यानी हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हमें इन सब चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अवर साउल, हमारी आत्मा रीच टूवार्ड्स इट्स गोल, हमारी आत्मा अपने लक्ष्य की ओर जाती है, विच इज़ ग्रेट साउल, जो कि महान आत्मा है। कि क्या? गॉड, भगवान, यानी भगवान में, यानी आत्मा जाके कहाँ मिलती है? परमात्मा में, एज ए मैटर। लेकिन क्या बता रहे हैं कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन फिर भी जैसा कि सच है, मैं मैटर ऑफ फैक्ट जो कि सच है, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव ऑफ लाइफ, जीवन के, गिव हिम, उसे देते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका देते हैं, टू शो, दिखाने का, हिज बेस्ट कैलिबर, उसका खुद का बेस्ट, सर्वोच्च कैलिबर में ज्ञान या बुद्धि, उसका सर्वोच्च, उसकी सर्वोच्च ज्ञान या बुद्धि, या उसके अंदर कितनी ताकत है, क्या क्षमता है, वो अपने आप सर्वोच्च प्रदर्शन कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब है कि द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट कैलिबर, यानी जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो किसी भी व्यक्ति को उसका सर्वोच्च प्रदर्शन करने पर मजबूर करते हैं। तो ये था इस पोएम का सेंट्रल आइडिया।